सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मम्मी मेरे साथ है अभी और मैं जा रहा हूँ अभी कहाँ, अभी बताएंगे नहीं, बाहर बताएंगे, बस में सबसे मिल के बताएंगे और काफी एंजॉय होने वाला है आज। जा कहाँ रहा है तू, बताया कुछ? भाई मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल जगह जहाँ पर वोर वोर होती थी पहले। किसकी? राजाओं की। ओ नहीं, तुम्हारे को मेरी फोटो, तुम्हारे मेरी फोटो की बड़ी पड़ रहती है। मेरा पुराना फोटो देखो भाई, कितना कितना गंदा दिखता है ना मैं। ये क्यूट था थोड़ा ज्यादा। हैं कहां क्यूट था, देख कितना गंदा दिख रहा है। अरे अब यू हो थोड़ा बहुत हैंडसम, यू नो हैंडसम। ज्यादा भी आ गए पढ़ लेके। चले मैं दीदी, चले मैं भाजी। बाय बाय। तो अभी दादा बोल रहे हैं कि बोलते सी मई मंगवाया, मई मन इट मीन्स कि वो खेत जोतने के बाद एक होता है ना लेवल करने का, वो मंगवाया वैसे, और वो कमा वगैरह जाके और एक घूमने वगैरह छोड़ते हैं। हाँ, घूमने के लिए पैसे दे दिए और आप बोल रहे मज़ा मज़ा नहीं, मतलब खेत में जा। चमकीली से जाते हैं डोक, क्योंकि डोक से जाएगी वो बस। अपने अमर भाई डॉन डॉन रोपड़ी का डॉन, कहाँ जा रहा तू? काम कर रहा तू? क्या काम कर रहा है? वो इतना काला काला नहीं करना चाहिए, वही गर्मी लगती है। कॉपीराइट कॉपीराइट बंद कर बंद कर। हाँ चल पड़ी। हाँ तो यार वो आ रही है मेरी बस भी ना। ठीक है तू जाना घर। ओके यार अभी टेंशन हो गई थी, अब तो चल हो गया ठीक, बढ़िया मिल गया, मतलब चल ठीक है बाय। हमारे हिंदी वाली मैम समती मैम, समती मैम और ठीक हो? तो बोलने दे रहे भाई। तो अभी हम जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट भाई, मैं आपको बताना भूल गया था। तो पहले हम जाएंगे ज्वाला जी, फिर उसके बाद जाएंगे कांगड़ा फोर्ट। तो काफी मजा आने वाला है। तो इसके दो ब्लॉग आएंगे, एक नहीं आएगा, दो आएंगे। एंजॉय कर रहे हो? नहीं नाचो, बोर हो गए तो नाचो ना। ये तो ना छोड़ो, ये तो ना छोड़ो, ये चीज करीबो, ये करीबो। अभी हमारी बस एक एजेंसी में रुकी है और अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक कुछ क्या डिफेक्ट है, कुछ गाने गाने वगैरह कुछ ऐसा वैसा कुछ सीन है वो, तो वो उसको कुछ ठीक कर रहे हैं। वायर वगैरह एक स्पीकर यहाँ पर लगा है छोटा सा और एक बड़ा अंदर रखा है भाई, जेबील रखा है तगड़ा वाला उसके, उसमें एंजॉय कर रहे हो बहुत ज़्यादा? हाँ वेरी गुड। हाँ भैया कहाँ बैठे हो भैया? हाँ भैया कहाँ बैठे हो? अभी चाय पानी लस्सी छोड़ो। क्या इम्प्रेशन बढ़ेगा यार कुछ ऑडियंस पे, वो भी गुटे मक्का खाएंगे क्यों? चालीस चाय। अंकल अंकल अभी कहाँ पहुँचे हम? टाल्टी गा सुखी रही तू दुनिया। अभी हम रुके हैं टाल्टी में भाई और पालमपुर से आगे हैं हम थोड़े से। हमारी मैडम से मिली हिंदी वाली मैडम समती मैम। ये रीजनिंग वाली मैम। जय हिंद सर। तो भाई अभी हम पहुंचे हैं कसौटी से थोड़ा सा आगे और जो कांगड़ा फोर्ट का जो लोकेशन है वो अभी 40 अभी लगेगा टाइम उसको, कम से कम 50 मिनट लगी और 30 किलोमीटर इतना बचा है, लेकिन शायद उससे पहले हम जाएंगे मंदिर ज्वालाजी मंदिर, बिकॉज पहले दर्शन करेंगे उसके बाद जाएंगे फोर्ट। अगर फोर्ट गए तो वहाँ से जब तक भी थोड़ा सा श्रावस्ती को चढ़ाई है और उसमें फिर मज़ा नहीं रहेगा ना, इसलिए हम पहले मंदिर जाएंगे उसके बाद जाएंगे कांगड़ा फोर्ट। तो सभी पीछे हैं थोड़ा, बिकॉज यहाँ पर बसेस का ऐसा सीन वर्क है कि थोड़ा सा इंजन ऑयल की बनी गियर ऑयल कुछ ऐसा चेंज करने को है,
तो वो करवाते बिकॉज इसी एजेंसी से ली है ये वाली बस जो है, तो लगेगा टाइम, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट बोला इन्होंने। और फ्री बैठे हैं तो भूख भी लगी है, तो भूख लगी है तो चाय पी रहे हैं, तभी चाय पानी हो रहा है। सर आपने बेचा है? नहीं यार मैंने। ओ सर जी आप दूध पीते होंगे। व्हाट अ जोक सर, आप चाय नहीं पिए, बोले आप दूध पीते हो। आप दूध पियो, जो बॉर्नविटा वाला, बॉर्नविटा वाला भी है। पेट में दर्द हो गई, हाय पेट में दर्द हो गई, इतना तगड़ा जोक मारा भाई ने, बॉर्नविटा वाला। व्हाट अ बी। तो हमारी बस हो गई रेडी, और जो चेंज करना है ऑयल वो भी कर दिया, और बस भी न्यू है ना बिल्कुल, तो बीवी चला हुआ है इनका, ताम झाम बुलाया था इनको वापस फिर से कि करा देना, तो इनको मौका मिल गया, बिकॉज हम इसी रास्ते से जा रहे थे, तो इसी रास्ते से अब ये भी हो जाएगा बड़े आराम से। खोरा पाती दिमाग देखो इस बंदे का, ऊपर बैठते हैं ना, ना वो नहीं जाना, वो 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 भाइयो ऐने चाहिए, वो नहीं वो नहीं। तो अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं ज्वाला जी, और जस्ट अभी पहुंचे, हमारी बस अभी आगे गई, और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और अपना मूड बहुत मतलब बढ़िया है। पिछली बार आया था तो बहुत भूख लगी थी, बहुत भूखे पेट आया था, इस बार थोड़ा सा खा के आया हूँ, ताकि मेरे को पिछला चक्कर आया था, रियली सच बोलना पिछला चक्कर आया था, इस बार तो ऐसा नहीं होगा। हमारे कुछ भाई बंधु यहाँ पर खड़े हैं, क्या हुआ, क्यों कंफ्यूज हो गए? बड़ो हाय में चल रहे हैं, ठीक है दादू आते टाइम लेते। तो अभी हम पहुँच गए हैं, और ये जगह भाई अब खुद में ही एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि यूनिक है जिसको सोचते हैं, बिकॉज यहाँ पर सती माता की जो थी वो जीवा गिरी थी इस प्लेस में, और तब से यहाँ पर पूरी नौ जो होती है ना ज्योति वो निकल रही है। तो ONGC जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि यहाँ पर कैसे ये ज्योति जलती है, तो फिर वैसे वैसे करके उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, लेकिन आज तक उनका नहीं लगाया पाया पता। ये अभी जितने भी खड़े हैं ये भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर जूते खोल दो, अपने अपने दुकानों में बोल रहे हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये पोर्शन है यहाँ पर खोल लें, बट देखते हैं ऊपर जगह तो शायद ही मिलेगी, बिकॉज खोलने पड़ेंगे, यहीं पर खोलने पड़ेंगे। मैंने अभी ये किए लिया प्रसाद चढ़ाने के लिए, और एक फूल मंगवाया। अरे वाह, बोल जय माता दी, जय माता दी, जय माता, शक्ति पीठ श्री ज्वालामुखी माता, जय हो, जय हो माता रानी। भाई क्या गर्म है ये, भाई ये टाइल्स बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। पानी पी लेते हैं। सो भाई इस जगह में गिरी थी माता सती की जीवा, और उसके बाद यहाँ पर ज्वालाएं जलने लगी जो इस गर्भ से निकलती है नीचे से, और अभी तक उसका नहीं लगा पाए पता कि वो कैसे निकलती है, क्या है, गैस है कोई कि ऑयल है कि कुछ है, क्या भंडार है, उसका कुछ पता नहीं है अभी तक। और ऑर्गेनाइजेशन भी वो रिसर्च ही, लेकिन नहीं हुआ कुछ, लगा ही नहीं अभी तक पता, तो अभी फिर से ट्राई करेंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं, फिर पता नहीं या फिर की होगी ट्राई तो, लेकिन अभी तक नहीं लगा पाए पता। वाह भाई ये भी एक जाना माना शक्तिपीठ है भाई, ज्वाला जी। भाई यहाँ की छोटी मोटी जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि आपको पता है हिस्ट्री थी तो थोड़ी बहुत गूगल जब वह ज्योति क्रिएट हुई तो बोला जाता है कि जब एक भूमिचंद ये राजा थे तो उनको सपना आया था कि यहाँ पर एक ऐसी ऐसी ज्योति है और माता का ऐसे जीवा यहाँ पर गिरी है और वो जगह तलाशी है, तो उनके सैनिकों ने यह जगह तलाशी थी और फिर उसके बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया था। फिर उसके बाद इसका जो रिक्रिएट जो था मंदिर का थोड़ा बहुत उसके थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ये पीछे आप देख रहे हैं ये एक गुरुद्वारा था और एक पंजाब के राजा थे और यहाँ के हमारे संसार चंद जो थे एक राजा, तो उन्होंने ये इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया और साथ में ये जो पीछे गुरुद्वारा है ये भी करवाया। और इसकी एक स्टोरी बताऊँ मैं आपको, तो एक बार अकबर और उसके कुछ
उसका एक उसके राज्य का एक उस माता रानी का एक भक्त था, वो अपने साथ 1000 श्रद्धालुओं को लेके आ रहा था। तो बीच में अकबर ने रोक लिया कि भाई एक कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो इतनी भीड़। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मंदिर जा रहे हैं। और तो अकबर ने कहा कि बोला अगर ऐसा है कि तुम्हारी माता ऐसा है तो मैं बोला तुम्हारे घोड़े की ये जो गर्दन है वो काट देती हूँ और देखते हैं बोला वो जिंदा हो पाता है, अपनी आपकी माता जो है जिंदा करती है उसको या नहीं करती है। तो उसने अपनी माता से कहा, प्रार्थना की कि माता मेरी लाज रखना और उसको ज़िंदा कर देना फिर से। तब माता ने उसको फिर ज़िंदा कर दिया था। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जो अकबर था उसने फिर बड़ा प्रसन्न हुआ इस बात से और गया। वो फिर उसने क्या किया कि खुश होके इधर आके एक सोने का छतरी होती है वो चढ़ाई, लेकिन माता को पसंद नहीं आई। और जब वो गिरी तो उसका मतलब उसके एक एलिमेंट होता है कि एक गोल्ड का होता है, लेकिन वो उसका चेंज हो गया, कुछ अजीब सा हो गया, मतलब वो इस अर्थ में प्रेजेंट ही नहीं है, ये सीन है। तो ये भाई अलग ही सिस्टम है ना। तो ऐसी ऐसी बात है। तो ये सब हुआ था। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ये जो ऊपर एक मंदिर श्री तारा देवी का है, बिकॉज यहाँ पर 12:45 में ही खुलेगा दर्शन वगैरह। तो अभी हम पहुँचे हैं भाई माता तारा देवी। सो अभी ठंडी हवाएं चली हैं और सोचे यहाँ पर त्रिगर्त के राजा मंदिर में दर्शन करने आते थे, है ना। अरे भैया कर ले क्या कर रहे हो। आंखें खुली हो हमको पता ही नहीं। तो भाई मैं अब इस वाले रास्ते जा रहा हूँ, बिकॉज मैं हो गया थोड़ा अलग अपने ग्रुप से, तो अब यहीं से जाना पड़ेगा। एक लाइन वहाँ से है बिल्कुल सामने से, बट वो लंबी है, बट यहाँ पर फटाफट यहाँ से आना पड़ा मेरे को। तो धन्यवाद इनका, पुजारी का, आने दिया। ये देखो ये लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन है। देख सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। गोरखनाथ अपने टिका। तो अभी मैं जस्ट अभी दर्शन करके निकला भाई, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। पहले तो भाई मैं अलग हो गया था ना, और इस साइड से तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये जो लाइन ऊपर है ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं गया था इस वाली लाइन से, इसमें एक ब्लॉक ब्लॉक करके बेचते हैं, मतलब 5-10 लोगों को बेचते हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और
घास वाली चप्पल लेनी किसे ले लो हरियाली हरियाली मतलब ये वो उनके लिए है जिनके घर ऐसे आर्टिफिशियल्स वगैरह लाई होती है ना घास वो वाली। तो अभी अब निकल रहे हैं यहाँ से और थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखे थे यहाँ से शॉप से और बढ़िया बस का वेट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर हमारी बस आने वाली है थोड़ी देर में। यहाँ पर लगी थी पता नहीं यहाँ हमारी बस कहाँ लगी थी लगी है बस स्टैंड में नहीं आगे बोला हाँ। तो चलो फिर बस का वेट कर रहे हैं और वेट कर ही रहे हैं आधा घंटा हो गया बस जो थी वो आधा किलोमीटर आधा नहीं एक ओह आ गई हमारी वाली बस ए ठाकुर सर आ गई चलो आइए चलो। तो चलिए अभी घर चले हैं और कहाँ जा रहे कांगड़ा किला कांगड़ा किला सही बोला मैं जानबूझ के बोल के उसको पता ही है कि पता ही नहीं है। तो अभी मैं ये व्लॉग यही एंड कर रहा हूँ और कांगड़ा किले का व्लॉग जो है अगले व्लॉग में आएगा। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो अच्छा लाइक शेयर बाय बाय कोई के जाने इंस्पेक्टर में लगेंगे क्यों।